हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई रॉड हमारी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो फिर उसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस पर क्रिएट होगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि अगर कोई रॉड आपकी ट्रांसलेशन मोशन करती है, ट्रांसलेट करती है, ऐसे सीधा चलती है, तो उस वक्त इसके ऊपर जो वोल्टेज पैदा होती है उसका फॉर्मूला था VBL, इसको बोलते थे मोशन लीनियर। आज हम पढ़ेंगे कि अगर ये रॉड ट्रांसलेशनल मोशन के बजाय ये रोटेट करे, जैसे जैसे फैन रोटेट करता है, ऐसे घूमे अगर, तब उसके क्रॉस कितनी वोल्टेज पैदा होगी। तो अब बच्चों हम इसको देखते हैं कि सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है और ये एक रॉड है वो भी जिसकी लेंथ L है। सपोज करो कि ये रॉड क्या करती है, एंगुलर वेलोसिटी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से यहां पर रोटेट करती है, मतलब ये ऐसे रोटेट करती है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब मान लो कि कुछ टाइम टी के बाद ये रॉड घूमकर यहां पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है ये रॉड रोटेट करती करती और यहां पर एंगल बनाती है आपका थीटा। और मान लो कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि क्या इसके क्रॉस वोल्टेज पैदा होगी या नहीं। अब देखिए यहां से, जैसे जैसे देखिए ये रॉड आपकी रोटेट करेगी वैसे वैसे देखो ये एरिया जो है, ये एरिया जनरेट होगा। ये देखो एरिया, एरिया जनरेट होगा और जब इस ये एरिया जनरेट होगा तो इस एरिया में से फ्लक्स आपका चेंज होगा। तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा, चाहे वो घटे चाहे वो बढ़े, तो उधर आपको पता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर वोल्टेज पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर वोल्टेज डेफिनेट पैदा होगी क्योंकि जब ये रॉड आपकी रोटेट करेगी ये एरिया आपका चेंज होगा। अब हम क्या करते हैं कि एरिया कितना चेंज हुआ है सबसे पहले वो निकालते हैं। तो एरिया चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया जनरेटेड इन टाइम पी। पी टाइम में मान लो ये रॉड पी से लेकर पी डैश में पहुंचती है टी टाइम में, तो ये एरिया जो जनरेट हुआ वो कितना होगा। तो इसका एरिया जो आएगा वो आएगा वन बाय टू बेस। अब ये टाइम आपको स्मॉल लेना है क्योंकि जब आप टाइम स्मॉल लोगे तब ये जो आर्क होगी, ये आर्क हमारी स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको, तो ये हमारी एक किस्म की ट्रायंगल बन जाएगी। तो याद रखना जो टी है हम बड़ा सा छोटा सा टाइम लेंगे, स्मॉल टाइम में हमें ये एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला आएगा वन बाय टू बेस, बेस आ गया आपका एल और ये आर्क, ये आर्क मुझे चाहिए। अब ये आर्क कैसे निकालोगे, आपको पता है कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहां से आर्क जो होगी, आर्क किसके ऊपर आएगी, आर्क आएगी एंगल इनटू रेडियस, रेडियस आपका एल है, इसका मतलब कि मैं यहां पर लिखूंगा एल इनटू थीटा, तो इसको लिख देते हैं वन बाय टू एल स्क्वायर थीटा। ये मेरा बना एरिया जो मैंने जनरेट किया, इसमें जो एरिया जनरेट किया वो ये हुआ। अब हम देखेंगे इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स कितना चेंज होगा। तो आप देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला में पड़ा हुआ है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड एरिया कॉस ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, एरिया जो आपने जनरेट किया वो ये है वन बाय टू एल स्क्वायर थीटा
और यहां पर cos थीटा कितना होगा, cos 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर जो होगा, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड है, तो आपका जो वहां पर थीटा होगा वो 0 आएगा। ये बन जाएगा आपका 1/2 b l स्क्वायर थीटा, जो हो गया जो प्लस आपका यहां में प्लस जो क्रॉस करेगा वो इतना होगा। अब हम निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी जनरेट होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 1/2 बी एल स्क्वायर थीटा। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एल स्केयर भी कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, बाकी बचेगा डी थीटा बाई डी टी। इसको लिख सकते हैं बी एल स्केयर डी थीटा बाई थी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या होता है, एंगुलर और वेलोसिटी। तो ये हमारी आपकी यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आया कि जब कोई रॉड रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज पैदा होगी वो कितनी होगी, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये आपको याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। अब मान लो कि आपको पूछता है यहां पर हाई पोटेंशियल कौन सा होगा, लो पोटेंशियल कितना होगा, वो आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ कि आपने देखना है कि वेलोसिटी किस तरह है इसकी। देखिए इस रॉड की लिमिनल वेलोसिटी इधर होगी, तो आपने क्या करना है कि v से लेकर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर को कॉल करना है राइट हैंड की। ये देखो जो राइट हैंड की फिंगर इधर आ जाएगी, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कॉल करो तो जो थंब जो होगा वो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। तो कहने का मतलब इस तरफ आपका ये पॉजिटिव वोल्टेज बन जाएगी, ये साइन बन जाएगा और इस तरफ आपकी नेगेटिव वोल्टेज बन जाएगी। इस तरीके का सर्किट बिहेव करेगा, ये रॉड एक किस्म का सेल बन जाएगा। अब बच्चों कई जगह हमने देखा है, कई जगह में ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो पूछता है ऐसे कि वो बोलता है कि अगर सपोज करो यहां पर एक रॉड की जगह कैसे इधर बना देते डायग्राम, ये एक साइकिल है, जैसे आपने साइकिल का टायर देखा होगा, वो बोलता है कि जैसे मान लो यहां पर एक स्पोक दूसरी स्पोक ऐसे यहां पर स्पोक से लगी हुई है ऐसे। तो ये साइकिल का पहिया किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है अगर, तो अगर मान लो यहां पर ये एन स्पोक्स है, 1, 2, 3, 4, 5 6 as a dash n, आपको एग्जाम कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, n जनरल ले लो, अगर n पूरा ये पहिया घूमेगा तो आप ही आपने देखा कि अगर एक रॉड घूमती है, जैसे इसकी लेंथ अगर मैं ले लेता हूं l है, तो एक रॉड के ऊपर वोल्टेज कितनी पैदा हुई, इसकी एक सेल की वोल्टेज कितनी पैदा हुई, देखो यार इसकी वोल्टेज ये बन जाएगा सेल, इसकी एक सेल की वोल्टेज कितनी थी, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा एक ही। तो अगर बोला 10 होंगे तो आप क्या आंसर लिखोगे, तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये सारे स्पोक्स जो हैं सेल तो बन जाएंगी, ये सब बैटरी बन जाएंगी, ये सब ये बैटरी बन जाएगी, जितनी स्पोक्स है हर एक की वोल्टेज बी एल स्क्वायर ओमेगा होगी, लेकिन आपकी जो टोटल वोल्टेज होगी वो उतनी ही रहेगी, चाहे ये 10 स्पोक्स है चाहे 20 है। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ये सारे के सारे सेल आपके जो है वो पैरेलल कनेक्टेड हैं, और जब पैरेलल होते हैं सर्किट में, जब पैरेलल में सेल लगा जाते हैं तो सभी की वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर वो एन स्पोक्स होगी तो बताइए कितनी वोल्टेज होगी, आप गलती से कहीं ये नहीं कर देना कि इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको लॉजिक बताना था कि अगर आपको सर्कल भी देता है तो आपको याद रखना कि ये सारे के सारे स्पोक्स हैं वो पैरेलल में हैं। इसीलिए
जितनी एक सेल की वोल्टेज होगी उतनी ही समय की होगी। अब मान लो कि आपको साइकिल व्हील की जगह अगर आपको डिस्क देती है और बोलते हैं कि ये एक डिस्क है जिसका हम बोलते हैं फैराडे कॉपर डिस्क, फैराडे कॉपर डिस्क। अगर आपको डिस्क देता कोई, मान लीजिए आपको डिस्क देता कोई, तो आपको पता है कि जो डिस्क होती है, अगर आप डिस्क देखोगे तो डिस्क भी ध्यान से, अगर आप डिस्क को हम देखें तो डिस्क ध्यान से देखोगे तो ये भी आपकी इनफिनाइट नंबर ऑफ स्पोक से बनेगी। बस उसमें फर्क क्या होगा कि ये स्पोक्स आपकी जो होंगी वो क्लोजली पैक्ड होंगी, बस जो आप गिन नहीं पाओगे उसका लाखों करोड़ों ये ऐसी स्पोक से डिस्क बनी, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होंगे तो डिस्क बन जाएगी। लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर चाहे ये डिस्क मान लीजिए किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसकी जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज उतनी ही होगी जितनी आपकी एक इसमें निकली थी, जितनी एक राड की निकली थी 1/2 BL² ओमेगा, इतनी ही वोल्टेज आपकी रहेगी। क्योंकि ये डिस्क बेशक आपकी करोड़ों स्पोक से बनी हुई है लेकिन ये सारे के सारे स्पोक्स आपकी पैरेलल में है। ये आपको लॉजिक समझना है, ये काफी कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, पजल करता है बच्चों को। होप्स आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है और लॉजिक क्या है। अब मान लो आपको फिर बोलता है कि फुल की जगह आपको बोलता है कि हाफ डिस्क घूमती है, जैसे ये हाफ है तो आपको बोलता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे हाफ डिस्क घूमती है। तो बच्चों चाहे हाफ डिस्क घूमे इसमें भी मतलब कि आपकी जितनी एक ही स्पोक की वोल्टेज गिनी जाएगी तो इसमें भी आपकी वोल्टेज यही आएगी, क्योंकि जितनी एक स्पोक की होगी उतनी ही सभी की होगी टोटल्स। ये आपको ध्यान रखना है। आपके दो टॉपिक करवा देते हैं इसमें, ये तो हमारा था एक्चुअली, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था कि What are the various methods of production of induced EMF? ये आपको टॉपिक चल रहा है, मतलब कि क्या क्या मेथड्स है जिससे हम induced EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों देखो यार कि induced EMF का फॉर्मूला कितना था, d/dt, d phi/dt, और phi किसके अंदर होता है, d/dt × BA cos θ। तो कहने का मतलब है कि जो induced EMF प्रोड्यूस होगी वो किस किस तरीके से हो सकती है। देखो सबसे पहला मेथड है कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तब वोल्टेज पैदा हो सकती है। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का कंसेप्ट था वो फैराडे में जो हमने पढ़ा था, फैराडे में जो बताया था कि आप एक कॉइल लीजिए, एक मैग्नेट लीजिए और आप मैग्नेट को जब आप टर्न करोगे, जब कॉइल को आप टर्न करोगे, जब कॉइल को रोटेट करोगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तब वोल्टेज पैदा होती है। ये होगा फैराडे एक्सपेरिमेंट। दूसरा हमारा मेथड है कि बाय चेंजिंग एरिया, अगर हम एरिया चेंज करें तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि मोशनल ईएमएम में जब राड चलती है उसका एरिया चेंज होता है, जैसे अभी राड घूम रही थी एरिया चेंज हो रहा था, तो एरिया चेंज वाला भी आपको पढ़ा दिया मैंने कि हाउ द ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस बाय चेंजिंग एरिया। तीसरा बचा है हमारे पास कि थीटा, थीटा चेंज करने से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सॉरी थीटा चेंज करने से कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम एंगल चेंज होता है तब कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड जो है ये आपका जनरेटर में लगता है, जैसे कॉइल आपकी घूमती है तो उसमें जो एंगल है वो चेंज होता है, तो
वो आप पढ़ लेंगे आज हम कि by changing orientation how we can produce the magnetic field by changing orientation by changing orientation orientation मतलब कि थीटा सिर्फ एंगल देखो पहला मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से फैराडे लॉ पढ़ा एरिया चेंज करने वाला हो गया आपका मोशनल बीम है एंगल वाला आप पढ़ते हैं जैसे सपोज कीजिए कि जी आप हमारे पास कोई क्वायर है सपोज करो कि जी मेरे पास कोई क्वायर है ऐसे तो ये क्वायर इस एक्सल ये मान लो कि एक्सिस है किसी ये एक्सिस हमारी इस एक्सिस के ऊपर घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अब मान लो कि यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है सपोज कीजिए और इसका जो एरिया वेक्टर है मान लीजिए वो ये है एरिया वेक्टर होता है जिस तरफ आपका नॉर्मल की डायरेक्शन होती है मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की अब जैसे जैसे क्वायर घूमेगी तो ये एंगल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर फिक्स कर देता हूं सपोज करो यही है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना एरिया क्वायर का चेंज होगा क्वायर जो है वो वैसे ही जितना एरिया वही चलता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है अब चेंज क्या होगा अब देखिए जैसे 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 मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये क्वायर है तो ये देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड और क्वायल में एंगल जीरो डिग्री है अब जब क्वायल क्वायल घूमेगी क्वायल जब घूमेगी तो इसका परपेंडिकुलर आगे पीछे चेंज होगा तो जब परपेंडिकुलर उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर आपका एंगल चेंज होगा तो वो आज पढ़ेंगे कि एंगल चेंज करने से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं इंड्यूसिंग में कैसे प्रोड्यूस होता है तो बच्चों आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा अब बी ए कॉस थीटा थीटा को हम ले सकते हैं ओमेगा टी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है आपकी एंगल बाई टी और थीटा हो गया ओमेगा टी ये हो गया फ्लक्स आपका अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी एंगल चेंज होगा तो जो इंड्यूस डी में होता है उसका फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी फाइव की वैल्यू पुट कीजिए बी ए कॉस ओमेगा टी देखो यहां पर कांस्टेंट क्या है माइनस बी ए क्योंकि ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है ना एरिया चेंज करना है तो बाकी बचा आपका डिफरेंशिएशन किसकी करोगे आप कॉस ओमेगा टी की कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन ओमेगा टी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी ए साइन ओमेगा टी इंटू डिफरेंशिएशन आप करोगे ओमेगा टी आप ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी टी की वन हो जाएगी बाकी बचेगा आपका ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जिस कॉइल की तो ओमेगा बाहर आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जी आपकी जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल अब देखो यहां पर कि ये जो वोल्टेज पैदा हुई है ये है ए अगर मैंने इस क्वायल को एक टर्न दी हुई है मतलब कापर की एक तार से बाइंडिंग की अगर मैं एन एन टर्न करता हूं उसको एन टर्न से बाइंडिंग करता हूं तो वोल्टेज हमारी आ जाएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ये बनी है हमारी आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी अब देखो आपकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज जो है वो साइन ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो आप देखिए कि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन इसका मतलब है कि जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी आपकी जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब है कि मैक्स वोल्टेज मैक्सिमम कब होगी देयरफॉर मैक्सिमम ईएमएफ कितना आएगा
मैक्सिमम ईएम क्या आएगा एन बी ए ओमेगा के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। तो इसलिए याद रखना कि अगर आपको पूछे कि मैक्सिमम ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होती है, आप साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये आएगी। इसको हम ई 0 से डिनोट कर देते हैं। आप देखिए इस फार्मूले से हमें ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारे पास जो फार्मूला बना मोड वोल्टेज का वो बना ई इज इक्वल टू ई 0 साइन ओमेगा टी। तो याद रखिए अगर आप एग्जाम में दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी समय किसी भी एंगल पर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री किसी पर भी। लेकिन ये अगर आपको बोले मैक्सिमम कितनी है तो मैक्सिमम याद रखना एन बी ए ओमेगा है, उस वक्त साइन स्टैक वैल्यू 1 होगी। और साइन स्टैक वैल्यू 1 कब होती है जब थीटा आपका 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इसका मतलब ये जो हमारी वोल्टेज पैदा होगी ड्यू टू द चेंज ऑफ एंगल इज नॉट ए कांस्टेंट वोल्टेज, इट इज नॉट ए डीसी वोल्टेज, इट शुड बी एसी वोल्टेज। हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं, देखिए तो इधर मैं ड्रा करता हूं ओमेगा टी लेता हूं, इधर मैं ईएमएफ का ग्राफ ड्रा करता हूं। देखो अगर मैं एंगल की वैल्यू ओमेगा टी हो गया एंगल, अगर मैं एंगल ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 डिग्री पर क्या होगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वोल्टेज भी 0 हो जाएगी। ये देखिए 0 कब होगा, 0 का मतलब होगा कि जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैदा हो जाएंगे। अब देखो अगर ये ओमेगा टी की वैल्यू में 90 पुट करता हूं, जब मैं साइन थीटा की जगह 90 पुट करूंगा तो साइन 90 वाली 1 हो जाएगी मैक्सिमम। इसका मतलब यहां पर वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा E इज इक्वल टू E 0 के बराबर। तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगी वो आएगी ये 90 डिग्री के ऊपर, और वो मैक्सिमम कितनी होगी E नॉट के बराबर। E नॉट कितना होता है एन बी ए ओमेगा के बराबर। अब मान लो कि जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी 0, वोल्टेज फिर 0 हो जाएगी। तो ये देखिए 180 पर 0 हो जाएगी। फिर जब मेरा 270 एंगल पर हुआ 270 के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी -1, तो वो आएगा आपका 270 डिग्री। ये बच्चों को पाई नहीं समझ आता 270 का मतलब, ये देखिए ये मैक्सिमम होगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। अब जब थीटा 360 होगा, 360 का मतलब कि साइन द्वारा 0 हो जाएगा, ये वोल्टेज द्वारा आपकी 0 हो जाएगी 2π। तो इस तरह आपने देखा कि जब कॉइल ने पूरा एंगल रोटेट किया मतलब 0 डिग्री से लेकर जब कॉइल पूरी 360 पर घूमी कंप्लीट एंगल हो, जब एक कॉइल यहां से स्टार्ट किया इसने और घूमते घूमते वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर जब आएगी एक कंप्लीट चक्कर के बाद, जो वोल्टेज पैदा होगी वो इस तरीके की पैदा होगी। ये देखिए इस तरीके की वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम एसी वोल्टेज। आपने देखा होगा एसी का ग्राफ, ये साइन तरंग का ग्राफ होता है। अब इसके बाद द्वारा देखिए, द्वारा यहां से द्वारा से रिपीट होगा ग्राफ, फिर द्वारा 0 एंगल आ गया, ये बढ़ेगी ऐसे, फिर इस तरह चलेगी। तो इसी तरह हम एसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, और यही लॉजिक आपका लगता है एसी जनरेटर में। तो होप्स आपको ये कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कैसे हम एसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं जनरेटर में, ओरिएंटेशन से कैसे वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, एरिया चेंज करने से कैसे होती है, और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे चेंज होती है। बच्चों अगर आपको जो समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड्स को, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो जितना लोगों को हम बेनिफिट दे सकते हैं उतना दे सकते हैं। तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट पक्का लिखते रहिए। टिल देन जय हिंद जय भारत।